हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज। फैक्ट्री से निकलने वाली प्रदूषित हवा से खड़ी फसलें हुई बर्बाद। किसानों का आरोप, हवा के साथ आ रहा है केमिकल। सुमेरपुर कस्बे के फैक्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री की प्रदूषित हवा से खेतों पर खड़ी किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने इस मामले की शिकायत स्थानीय स्तर पर की है, लेकिन सुनवाई न होने पर जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। सुमेरपुर कस्बे की फैक्ट्री एरिया में कई उद्योग संचालित हैं। फैक्ट्री एरिया के पश्चिमी दिशा में किसानों ने फसलें बो रखी हैं। इसके साथ ही करीब 70 बीघा खाली पड़े खेतों में चारा उगा हुआ है। किसानों का आरोप है कि नव निर्मित एक फैक्ट्री के प्रदूषित हवा के साथ केमिकल आकर खेतों में गिरने से खड़ी फसलें सूख रही हैं, साथ ही चारा भी जहरीला हो रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर फैक्ट्री के केमिकल रूपी हवा पर रोक नहीं लगाई जाती तो वह इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करेंगे। न्याय न मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। उधर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने किसानों से कहा है वह फैक्ट्री से निकलने वाली हवा की जाँच कराएंगे, किसानों का हित सर्वोपरि रहेगा। मेरा नाम गया प्रसाद है। मैं मेरी तिल की फसल हुई थी लगभग 4 बीघे में, जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का केमिकल उड़ के जो है उसको सब नष्ट कर दिया। वो बार बार अब भी आ रहा है। अब वैसे भी सूखे की मार झेल रहे थे, अब हम लोग तो बेकार हो गए। अब कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। भविष्य में भी कोई फसल नहीं होने की उम्मीद नहीं है, जो बार बार केमिकल आएगा। अगर जानवर इस चारे को खाएगा वो भी मर सकता है, जबकि पूरा जानवर खुला घूमता है। अगर वो चारा खा लिया तो बचने का कोई सवाल भी नहीं। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।